नमस्कार, शंकर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आलोक तिवारी आज आप सभी लोगों के लिए बाल विकास भाग सेकंड को लेके आए हैं, जो टेट सीटेट सुपर टेट के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि मानव विकास का प्रारंभ होता है, तो मानव विकास का जो प्रारंभ होता है वह होता है किससे? गर्भावस्था से होता है। अगला क्वेश्चन है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं, किसके लेखक? द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक आर एम गेने है। कौन है? आर एम गेने। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग का कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो किसका है? यह स्टेनले हॉल का। किसका कथन है यह? यह स्टेनले हॉल का कथन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का है कि कोलबर्ग का सिद्धांत में किस विकास से संबंधित है? कोलबर्ग का सिद्धांत में किस विकास से संबंधित है? तो यह संबंधित है नैतिक विकास से। किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है नैतिक विकास से। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? तो किसने दिया था? स्कीनर ने दिया था। किसने दिया? स्कीनर ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि संज्ञान किस बुद्धि का सिद्धांत का हिस्सा है? तो यह किसका है? गिलफोर्ड का सिद्धांत है। किसका है? गिलफोर्ड का सिद्धांत है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? कौन? पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो वह संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। अगला है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं द्विपार्श्विक कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है द्विपार्श्विक अंतरण। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं बहुलांकार। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? स्कीनर ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि अल्बर्ट बंडूरा ने किस सिद्धांत से संबंधित है? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। कौन संबंधित है? तो वह संबंधित है अल्बर्ट बंडूरा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? किसका? मानसिक आयु का। तो किसने दिया था? बीने साइमन ने दिया था। अगला है कि टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्ध का बालक माना जाता है, कितने से कितना? तो 90 से 100 वाला। तो किस में आएगा? वह सामान्य बुद्धि में आता है। किसके अनुसार? तो वह है टर्मन के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया में पावलोव ने प्रयोग किया किस पर? तो किस पर किए थे? कुत्ते पर किए थे। किस पे किए थे? तो कुत्ते पर किए थे। अगला कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया है? तो कोहलर ने किया। किसने किया? कोहलर ने किया। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है प्रेरणा। क्या कहलाएगी? प्रेरणा। अगला है, विस्मृति कम करने का उपाय है, तो वह है पाठ की पुनरावृत्ति। क्या है? पाठ की पुनरावृत्ति। अगला है, क्रोध व भय प्रकार है, क्रोध व भय जो है किसके प्रकार है? तो वह संवेग के प्रकार होते हैं। किसके होते हैं?
संवेग के। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने, या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं विस्मृति। क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। तो ये आज थे बाल मनोविज्ञान के भाग 2 से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो टेट, सीटेट, सुपर टेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। थैंक्स।